स्वागत है आपका विराज वासवाला चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सन इन एट्थ हाउस। इससे पहले हमने बात की सन इन फर्स्ट से लेकर सेवंथ हाउस के ऊपर। इससे भी पहले हमने बात की जुपिटर ऑल हाउसेस का क्या रिजल्ट देता है, राहु है वो ऑल हाउसेस में क्या रिजल्ट देता है। अगर आपको वो सारी सीरीज देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ऑल प्लेनेट्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं सन इन एट्थ हाउस कैसा रिजल्ट देता है एस्ट्रोलॉजिकल वाइज एंड वास्तु के वाइज। तो इससे आपका एस्ट्रोलॉजी का भी प्रिडिक्शन अच्छा होगा और वास्तु का भी प्रिडिक्शन अच्छा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें विराजवास्तुवाला.com, यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं आप और केस स्टडी भी मैंने बहुत सारी आपके साथ शेयर किए तो यहाँ पर वो केस स्टडी भी आप रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आने से पहले अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो निकाल लीजिए, अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो astrosec.com यहाँ पर आकर आपकी कुंडली है वो बना लीजिए तो फ्री में यहाँ पर आपकी कुंडली बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको लग्न चार्ट है वो देखना है, नौ मंथ चार्ट है वो नहीं देखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सन है वो एट्थ हाउस में है यहाँ पर, और जो भी वीडियो मैंने बताया है वो सारा बेसिक से बताया है। तो यहाँ पर आपको चार नंबर दिख रहा होगा, तो ये चार नंबर है वो फोर्थ हाउस नहीं है, ये राशि का नंबर है। टोटल 12 राशि होती है, जैसे यहाँ पर आपका पहला घर, ये हमेशा पहला घर ही रहेगा। पहले घर में नौ नंबर, यानी पहले घर में धन राशि, दूसरे घर में मकर राशि। आपके वहाँ पर पहले घर में पांच नंबर लिखा है तो वो पहला घर ही है, पर पहले घर में सिंह राशि है, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पर सन है वो कौन सी राशि का है, तो चार नंबर की राशि यानी कर्क राशि। पर सन कहाँ है, यहाँ से आप देखोगे तो ये एट्थ हाउस में है। तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका सन यहाँ पर है ये हाउस में, कोई भी नंबर लिखा हो तो उसके क्या सिम्टम्स एस्ट्रोलॉजिकल वाइज एंड वास्तु के वाइज क्या रहेंगे उसके ऊपर। तो जब भी सन है वो एट्थ हाउस में आता है तो एट्थ हाउस होता है वो किसका होता है, तो वो है डेथ का होता है, हिडन चीज़ों का होता है, वो सारी चीज़ का हाउसेस ये एट्थ हाउस है। मतलब ये सिक्स हाउस, ये एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ खराब होती है तो कुछ चीज़ अच्छी भी होती है। तो जब भी है वो सन एट्थ हाउस में आता है तो सन यानी ऊर्जा, जैसे सन है, जब सन आता है तो तभी सारी चीज़, जैसे पौधे उगते हैं, फिर सनलाइट हमें मिलती है, बहुत सारे ऊर्जा मिलती है, तो सन यानी ऊर्जा है, यानी एनर्जी है कोई। तो जब भी सन है वो एट्थ हाउस में होगा तो ये व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति है वो मृत्यु नहीं पाएगा, यानी यमराज, ऐसा भी लिखा गया है कि सन एट्थ हाउस में होगा तो यमराज भी जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति वो मरने के लिए पड़ा है और ये एट्थ हाउस वाला सन है, जिसका भी सन है वो एट्थ हाउस में होता है, वो व्यक्ति उसके पास बैठता है तो तब तक वो व्यक्ति को मृत्यु नहीं आती है जब तक वो व्यक्ति वहाँ पर उसके पास में बैठा है, क्योंकि यमराज भी उसकी मृत्यु होती है वो डिले कर देता है, ऐसा बुक्स में लिखा गया है और ये बात सही है। ये व्यक्ति अपने सामने मृत्यु नहीं देखता है। दूसरी चीज़, अगर सन है वो एट्थ हाउस में होता है तो उसके घर में कोई डॉक्टर होते हैं, या तो डॉक्टर नहीं होता है तो ये व्यक्ति खुद डॉक्टर बन सकता है, और ये व्यक्ति के हाथ से कोई दवाई लेता है तो वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है। ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम है, पर ये गॉड गिफ्ट है इन लोगों को। और एक चीज़, ये लोग आयुर्वेद के अच्छे जानकार होते हैं। उसके बाद, या तो ये लोग नहीं आयुर्वेद के जानकार होते तो इसके घर में कोई ग्रैंड पेरेंट्स वो आयुर्वेद के अच्छे जानकार होते हैं सन अगर एट्थ हाउस में है तो। उसके बाद दोस्तों, अगर सन है वो एट्थ हाउस में होता है तो वो व्यक्ति के थाइस के पास आपको तिल मिलेगा, वो व्यक्ति है उसके थाई के पास एक तिल होता है जरूर। दूसरी चीज, अगर सन है वो एट्थ हाउस में है तो ये व्यक्ति को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अगर ये नॉनवेज खाता है तो ये व्यक्ति को ये सन है वो वहाँ पर खराब रिजल्ट, एक्सट्रीमली खराब रिजल्ट देने लग जाता है अगर सन है वो एट्थ हाउस में है तो। और एक सिम्टम है, जब भी ये व्यक्ति जन्म लेता है जिसका सन है वो एट्थ हाउस में होता है तो उसके जन्म के बाद उसके फादर के ऊपर टेम्पररी कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या तो हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, बाद में ये ठीक भी हो जाती है, पर ये एक सिम्टम है। तो ये हमने बात की सारे एस्ट्रोलॉजिकल सिम्टम्स के ऊपर, अब हम बात करते हैं वास्तु के सिम्टम्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये वास्तु में साउथ डायरेक्शन है, ये वास्तु में साउथ डायरेक्शन की दीवार है, साउथ डायरेक्शन की दीवार, ये साउथ डायरेक्शन है, तो ये दोनों कंबाइन चलती है, ये दोनों हाउसेस कंबाइन चलता है। यहाँ पर से आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेवंथ हाउस से ये एट्थ हाउस, यहाँ से आप ये फर्स्ट हाउस से गिनोगे तो ये एट्थ हाउस में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, जब भी हम वास्तु करते हैं तो सेंटर पॉइंट से करते हैं, तो सेंटर पॉइंट से आपको कंपास निकल कर डायरेक्शन निकाल लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है, ये साउथ वॉल है, यानी यहाँ से साउथ वॉल, यानी जितनी भी वॉल आती है वो सारी वॉल यहाँ पर आपको सन रिलेटेड चीज़ मिलेगी।
सन रिलेटेड चीज़ यानी ऑरेंज कलर, डार्क रेड कलर, फिर कोई तांबे की चीज़ या तो कोई वहाँ पर फ्रेम लगाई हो, या तो वहाँ पर कोई जैसे डेकोरेट किया हो उसमें कुछ तांबे की चीज़ कॉपर रिलेटेड चीज़ आती हो, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। वहाँ पर या तो कोई ऐसी फ्रेम होगी जिसमें रथ की फ़ोटो हो, आगे घोड़ा हो और रथ की फ़ोटो हो सकती है, तो ऐसी सारी चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी साउथ वॉल में। तो आपको ये सारे टेक्निक से वो आपकी कुंडली के ऊपर लगानी है और देखना है कि ये टेक्निक वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, और आपके वास्तु के ऊपर लगाना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ऐसे आप 15 से 20 चार्ट निकालिए जिसका सन है वो 8th हाउस में हो, और सारे लोगों की कुंडली में ये टेक्निक टेस्ट करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये टेक्निक लग रही है या नहीं लग रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक बार जरूर मेरी वेबसाइट विजिट करें virajvaskola.com, यहाँ पर मेरे लाइव प्रेडिक्शन देख सकते हैं और रिव्यू देख सकते हैं, बहुत सारी केस स्टडी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू।